जैन साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भर नमस्कार। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बीपीएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर पे। सभी लोग जबरदस्त तरीके से आ जाइए, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। जबरदस्त तरीके से बच्चे आ जाइए। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मनीषा, मोहम्मद फरकान, ठीक है, ज्योति मौर्य, जूली, हिना, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे। सभी लोग आ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, आ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए बच्चे। आज वो आखिरी दिन आ चुका है जिस दिन के अंदर आप लोगों को क्या कर लेना चाहिए, परिवर्तन 3.0 अपने नाम कर लेना चाहिए। 3.0 परिवर्तन अपने नाम कर लेना चाहिए जिससे आपका क्या हो जाए, आपके सरकारी नौकरी पाने का सपना कंप्लीटली पूरा हो जाए। सरकारी नौकरी पाने का सपना क्या हो जाए, कंप्लीटली पूरा हो जाए बच्चे, ये बात याद रखना। और बच्चे अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आप क्या लगाएंगे, ईपी ओल्ड लगाएंगे, ईपी ओल्ड। और बच्चे 749 रुपए में आपको, मात्र 749 रुपए में आपको मिल जाएगा। और कहेंगे अगर आप नए बच्चे हैं तो आप लगाएंगे बच्चे ईपी ओल्ड। एक कैटेगरी का कोई भी कोर्स लेना चाह रहे हो उसके साथ आपके महाकुंभ वाले कोर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, महाकुंभ वाले कोर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे बच्चे, ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, यहां पर देखेंगे ये क्या लिखा है। आप कहेंगे एप्लीकेशन, आपके अपने पूरे नाम हो जाएगा। और एप्लीकेशन में 200 कोर्स चल रहे हैं और 250 कोर्स लगभग पुराने वाले हैं। ये सारे के सारे कोर्स आपके नाम हो जाएंगे, बस आपको क्या लगाना है, ईपी ओल्ड लगाना है या ईपी न्यू लगाना है, 1999 रुपए में और 1499 रुपए में, ये बात याद रखना। और बच्चे आगे चलते हैं, देखेंगे सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आ गया है और इस क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। ठीक है, जल्दी से करेंगे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दे देंगे। गुड इवनिंग बच्चे, नितिन कुमार जी गुड इवनिंग। देखेंगे बच्चे प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है बच्चे, किसमें होता है, राइबोसोम में होता है, माइटोकांड्रिया में होता है, कोशिका भित्ति में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आज बच्चे क्वेश्चन बड़े आसान वाले लिया, आज क्वेश्चन बड़े आसान वाले ले आया हूं जिसमें आपके बेसिक क्वेश्चन, आपके बेसिक क्लियर सही हो जाएंगे, बेसिक सही होंगे। बस वीडियो को शेयर करते रहना, वीडियो को शेयर करते रहना बच्चे। यहां पर क्या है, आप कहेंगे सर प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है, तो आप कहेंगे सर राइबोसोम में। किसमें होता है भैया, आप कहेंगे सर राइबोसोम के अंदर होता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है, तो आप कहेंगे सर राइबोसोम के अंदर होता है, ये बात याद रख लेना। किसमें होता है, राइबोसोम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहां पर देखेंगे राइबोसोम के अंदर प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइबोसोम के अंदर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर प्रोटीन संश्लेषण होता है। आप कहेंगे रेड वाला तो दिख ना रहा सर, यहां देखोगे भाई राइबोसोम की खोज किसने की थी, आप कहेंगे सर जी पैलेडे। किसने किया था, जी पैलेडे ने किया था राइबोसोम की खोज। अब बात करेंगे बच्चे राइबोसोम को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर पैलेडे कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, तो आप कहेंगे सर पैलेडे कण कहा जाता है। और अगर बात करें प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री बच्चे, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर प्रोटीन की फैक्ट्री जो होती है वो कही जाती है किसको, आप कहेंगे सर राइबोसोम को। माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर माइटोकांड्रिया को, ठीक है। माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे सर पावर हाउस, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चा, आप कहेंगे सर पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है, पावर हाउस कहा जाता है, ये बात याद रख लेना। क्या कहा जाता है बच्चे, पावर हाउस। अब देखेंगे कोशिका भित्ति क्या करती है, आप कहेंगे कोशिका को आकार देती है। क्या देती है बच्चे, कोशिका को आकार देती है, ये बात याद कर लेना। और बच्चे राइबोसोम जो होता है ये भी प्रोटीन के निर्माण में काम करती है, ठीक है, ये भी क्या करती है, आप कहेंगे सर प्रोटीन के निर्माण के लिए जानी जाती है, प्रोटीन के निर्माण के लिए जानी जाती है, बात याद रख लेना बच्चे, ये बात याद रख लेना, प्रोटीन के निर्माण के लिए जानी जाती है, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है बच्चे, युगलीना है, आप कहेंगे सर अमीबा है, और क्या कहेंगे, पैरामीशियम। क्या कहेंगे बच्चे, पैरामीशियम, पैरामीशियम बच्चे आपके सामने, पैरामीशियम बच्चे यहां पर देखेंगे, युगलीना है, अमीबा है, पैरामीशियम है, कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे कौन सा हो जाएगा बच्चे, इसका आंसर देंगे कौन सा हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर कौन सा हो जाएगा, तो युगलीना भी है, अमीबा भी है और पैरामीशियम, ये तीनों के तीनों क्या हैं,
आप कहेंगे सर इनके अंदर एक कोशिका ही होती है। क्या होती है? आप कहेंगे सर एक कोशिका ही होती है। बच्चे याद रखना ये तीनों के तीनों किसमें आते हैं? आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं, ये बात भी याद रखना। क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। तो बच्चे ये सारे के सारे विकल्प आपके क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे सही हो जाएंगे। ये सारे के सारे विकल्प आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो ये प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक में बच्चे किस प्रकार की सेल पाई जाती है? तो आप कहेंगे सर राइबोसोम जो पाया जाता है वो कैसा होता है? आप कहेंगे 70S टाइप का, 70S टाइप का होता है। क्या? आप कहेंगे सर राइबोसोम क्या होता है भाई? राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक में कैसी कोशिका? आप कहेंगे सर अल्पविकसित। कैसी होती है? अल्पविकसित कोशिका होती, अल्पविकसित कोशिका, विकसित कैसी होती है? आप कहेंगे अल्पविकसित कोशिका होती, याद रखना अल्पविकसित कोशिका, ठीक है, अल्प विकसित कोशिका होती है, बात याद रख लेना बच्चे, ये बात याद रख लेना, अल्प विकसित कोशिका होती है। नेक्स्ट है आरएच फैक्टर का नाम किसके किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है जल्दी से बताएंगे। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है जल्दी से बताएंगे। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? क्लियर है? आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है जल्दी से बताएंगे। तो आप कहेंगे सर भालू से संबंधित है, बंदर से संबंधित है, मनुष्य से संबंधित है, क्या कहते हैं बिल्ली से। देखो बच्चा जो आरएच फैक्टर होता है ध्यान से देखना, आरएच फैक्टर की खोज किसने की? आप कहेंगे सर आरएच फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर, ठीक है, किसने? आप कहेंगे सर लैंड स्टीनर व बीनर ने किया। किसने किया बच्चे? आप कहेंगे सर लैंड स्टीनर व बीनर ने किया। लैंड स्टीनर व बीनर ने किसका किया? आरएच फैक्टर का, ठीक है। आरएच फैक्टर की खोज किसने की? लैंड स्टीनर और बीनर ने। किसके अंदर बच्चे? आप कहेंगे सर रीसस मंकी के अंदर। किसके अंदर? आप कहेंगे सर रीसस मंकी के अंदर, रीसस मंकी के अंदर किया इन्होंने, रीसस मंकी के अंदर। और इसीलिए बच्चे इसको आरएच फैक्टर कहा गया। इसीलिए इसको क्या कहा गया? आप कहेंगे सर आरएच फैक्टर के नाम से, आरएच फैक्टर के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। आरएच फैक्टर याद रखेंगे बच्चे, जो आरएच फैक्टर होता है इसी को डी एंटीजन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर इसे डी एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। आरएच फैक्टर को किसके नाम से? आप कहेंगे सर डी एंटीजन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन सीटेट में आया था, बहुत बढ़िया बच्चे सीटेट में आया था। देखो यहां से क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखेंगे डी एंटीजन, और बच्चे याद रखना आरएच फैक्टर की अगर बात करें, आरएच फैक्टर की अगर बात करें तो एक में अगर 80% है, 80% है तो इसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट, ठीक है। आरएच फैक्टर अगर किसी में 80% है तो उसका प्रेजेंट होगा, और उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर 20% है तो बच्चे इसे क्या माना जाता है? एब्सेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? एब्सेंट। और इसका ब्लड ग्रुप कैसा होता है? निगेटिव होता है, याद रखना। क्या होता है? निगेटिव होता है, ये बच्चे याद रख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी विल बी राइट आंसर बच्चे, यहां पर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ये बात याद रख लेना। और वीडियो को शेयर कर देना बच्चे, वीडियो को शेयर कर देना, ये बात आप लोगों को याद रखना है बच्चे, ठीक है। क्या याद रखना है बच्चे? वीडियो को शेयर करना याद रखना है, क्योंकि आप सभी लोग वो वीर जवान बच्चे हो जिससे वीडियो शेयर कर सकते हैं। कहते हैं हौसले बुलंद कर, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे मेरा मुकाम, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बड़ अकेला तू पहल कर, बड़ अकेला तू पहल कर, देख तेरा काफिला खुद बन जाएगा, देख तेरा काफिला खुद बन जाएगा। बच्चे याद रखना, याद रखना बच्चे, यहां पर ये बात याद रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हीमोग्लोबिन में धातु होती है, हीमोग्लोबिन में धातु होती है, कौन सी धातु होती है? ये पढ़ के याद कर लूं वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और उसको भी एक घंटा बैठ के रटूं क्या? देखेंगे बच्चे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बच्चे दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है जिसे आप लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर इसे एक होता है,
लौह तत्व। तो क्या होता है भाई? आप कहेंगे लौह तत्व। और ग्लोबिन क्या होता है? आप कहेंगे ग्लोबिन जो होता है वो होता है प्रोटीन। ग्लोबिन क्या होता है भैया? आप कहेंगे प्रोटीन होता है। अब देखेंगे लौह तत्व और प्रोटीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लौह तत्व और प्रोटीन की बात करेंगे, जहां पर आप लोगों को पता है। लौह तत्व और किसकी बात करेंगे? प्रोटीन की बात करेंगे, जिसके बारे में आप लोगों को पता है, जिसके बारे में आप लोगों को पता है। क्लियर है? लो भाई, तुम लोगों ने करवा दिया गड़बड़ घोटाला हो गया मेरा। बड़ा करने के चक्कर में मेरा इधर उधर चला गया। लो अब मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। देखो बच्चे, इसमें क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर लौह होता है, लौह तत्व होता है, और साथ के साथ ग्लोबिन में क्या होता है? ग्लोबिन क्या है? आप कहेंगे सर प्रोटीन। ग्लोबिन क्या है भाई? आप कहेंगे प्रोटीन। जो लौह तत्व होता है वो आप कहेंगे सर लौह तत्व ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से मिलकर बना होता है, और इसमें क्या होता है? आयरन। बच्चे हमारे शरीर में मिनिमम मात्रा में कितना होना चाहिए? आप कहेंगे सर हमारे शरीर में मिनिमम मात्रा में 13.5 से 14 ग्राम होना ही चाहिए। महिलाओं में कुछ कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़कों में ज्यादा ही रहना चाहिए। महिलाओं में कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़कों में होना ही चाहिए बच्चे। और अगर बात करें बच्चे कि मिनिमम में कितना होना चाहिए, अगर इससे कम हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी बच्चे। 12 ग्राम आपके होने ही चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा? आपको दिक्कत हो जाएगी। याद रखना बच्चे, अगर इससे कम हो गया तो आपको एक बीमारी हो जाएगी, जिसे आप लोग क्या कहते हो? एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया कहा जाता है। हीमोग्लोबिन की अगर बात करें, ठीक है, हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये क्या करता है? HbO यानी कि हीमोग्लोबिन बनाता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? आप कहेंगे सर हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर वैसे क्या कहते हैं, फीमेल में वैसे ही कम होता है। हाँ बिल्कुल बच्चे, नहीं हाँ, फीमेल में कम ही होता है, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे बच्चे, यहाँ पर याद रखेंगे ये बात भी। आगे चलेंगे, देखो बच्चे, कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है? कैल्शियम। बच्चे कैल्शियम का संश्लेषण कौन करता है? आप कहेंगे सर विटामिन डी कैल्शियम का संश्लेषण करता है। और बच्चे कैल्शियम क्या करता है? आप कहेंगे सर हड्डी को मजबूत करता है। हड्डियों को मजबूत करना चाहता है कौन? आप कहेंगे सर कैल्शियम। और बच्चे इसमें क्या होता है? आप कहेंगे सर इसमें होता है विटामिन, ठीक है, इसमें क्या होता है? आप कहेंगे सर विटामिन होता है, ये बात याद रख लेना, ठीक है, इसमें होता है विटामिन डी। बच्चे विटामिन बी ट्वेल्व में क्या होता है? कोबाल्ट होता है, जिसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है बच्चे? साइनोकोबालामिन होता है विटामिन बी ट्वेल्व। बिल्कुल बच्चे सत्यम, ठीक है, लव यू टू मेरे भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? रक्त समूह, बच्चे रक्त समूह आपका एबीओ होता है। एक रक्त समूह होता है एबी और एक रक्त समूह आपका एबी होता है ना, बिल्कुल ठीक है। एक रक्त समूह होता है आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्या होता है बच्चे? आप कहेंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है क्या होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है। और एक कौन सा होता है? आप कहेंगे सर इनरा। एक कौन सा होता है बच्चे? इनरा ब्लड ग्रुप। देखेंगे एबीओ को किसने खोजा? आप कहेंगे सर लैंड स्टीनर ने। किसने खोजा बच्चे? आप कहेंगे सर लैंड स्टीनर ने एबीओ रक्त समूह को खोजा था। लेकिन बाद में एबी जो है डी कैस्टेलो और स्टर्ली के द्वारा खोजा गया। वाई एम बेंडा के द्वारा क्या खोजा गया? आप कहेंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इनरा ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होता है? आई का मतलब इंडिया, ठीक है, आई का मतलब क्या होता है? आई एन डी आई इंडिया। और रा का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम, ठीक है, ऐसा नाम जिसका आप कहेंगे सर ऐसा नाम, ठीक है, क्या नाम है? सॉन्ग विथ आरके। आरके साहब बच्चे आज आप लोग कहां थे? आज आप आए हो हमको बताने के लिए घटना चक्र से कराइए। जब मैं पिछले 2 दिनों से बढ़िया वाला लेवल का क्वेश्चन करा रहा था, तब कहां थे आप लोग, ठीक है, देखेंगे बच्चे। तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर्वग्राही, तो कौन होता है? एबी।
ए भी होता है बच्चे। अगर बीपीएससी आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी कर सकती थी सर, इनमें से कोई नहीं भी कर सकती थी, क्योंकि सर्वग्राही जो होता है वो कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है। ओ सर्वदाता है। ओ क्या है बच्चे? आप कहेंगे सर्वदाता है, लेकिन बच्चे ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव क्या है? आप कहेंगे यूनिवर्सल सर्वदाता है, यानी कि सार्वभौमिक सर्वदाता होता है। ठीक है, यूनिवर्सल। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये बात याद रखना बच्चे, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हमको दिख नहीं रहा है आपका साउंड से आंसर कर रहे। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा, आप अपने साउंड से आंसर कर रहे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने आ गया। और ये क्वेश्चन आपका क्या आ गया आपके सामने, यहाँ पर देखेंगे। अभी तो दिख रहा होगा ना बच्चा, अब दिख रहा है ना भैया? बोलो भाई, बोल दो ना। ठीक है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है, जल्दी से बताएंगे। वायुमंडल में CO2 की मात्रा क्या होती है? ये भी अच्छे वाले क्वेश्चन है बच्चे, यहां से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अमन्या, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। वीडियो को शेयर कर दो ना भाई लोग, वीडियो को शेयर कर दो भाई लोग, बहन लोग, सभी लोग। अल्लू अर्जुन देखो, एक मेरा एक्टर आ गया है बच्चे देखने के लिए। भगवान कहे कि बच्चे आप अल्लू अर्जुन नहीं अपने नाम से जाने जाओ, जबरदस्त वाले नाम से जाने जाओ। बिल्कुल सर, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग मेरे भाई। ठीक है, तो कितना होता है? आप कहेंगे सर 0%, 0.03% होता है। कितना हो जाएगा भाई? 0.03% हो जाएगा। देखो बच्चे, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? आप कहेंगे सर सांस लेते हैं, सांस लेते हैं। और बच्चे सांस लेते भी हैं और साथ के साथ क्या करते हैं, आप कहेंगे सर छोड़ते भी हैं। सांस लेते हैं और छोड़ते भी हैं। तो यहां पर देखेंगे नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। नाइट्रोजन गैस तो हम लेते हैं 78%, ऑक्सीजन गैस तो लेते हैं 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हम लेते हैं कितने परसेंट? 0.03%। लेकिन 78 तो हम वास्तव में छोड़ भी देते हैं, और 17 छोड़ते हैं, और बच्चे 4% छोड़ते हैं। ये याद रख लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा बच्चे, ये आपके पेपर में पूछा जाता है, ये आप लोगों को याद रख लेना है, ये आपके पेपर में पूछा जाता है। और बच्चे सांस लेने और सांस छोड़ने में जो वायु हमारे शरीर के अंदर जाती है और फिर वायु निकल कर आती है, तो हम 250 क्या करते हैं, एमएल वायु को अंदर डालते हैं और 250 ml को क्या करते हैं, बाहर डालते हैं। बच्चे इसे क्या कहा जाता है? इसे ज्वारीय चक्र कहा जाता है। और ये जो ज्वारीय चक्र होता है बच्चे, टोटली अगर कहा जाए तो कितने ml है? आप कहेंगे सर 500 ml का होता है। क्या होता है बच्चे? 5 ml का होता है। क्या साउंड मिसमैच कर रहे हैं? क्या साउंड मिसमैच कर रहे हैं कि मेरे में ही है? सर आज आपकी आर्यभट्ट क्लास, आर्यभट्ट बैच में क्लास नहीं हुई थी। नहीं बच्चे, आज मैंने क्लास नहीं लिया पुष्पा, आज मेरा मन ना था ना लिया। ठीक है, नहीं बच्चे, मेरा मैराथन चल रहा था। और बच्चे हाँ, जितने लोगों को पढ़ना है, क्या आप कहेंगे सर प्लांट किंगडम में फ्लावर पढ़ना है और लीव्स पढ़नी है, यानी कि फूल पढ़ना है और पत्ती पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है बच्चे? माला, इसी शिवा, जूली, राणा, ठीक है, हिना, समीर, नवीन, पुष्पा, जितने लोगों को पढ़ना है, क्या आप कहेंगे सर क्या पढ़ना है? आप कहेंगे सर पढ़ना है जितने लोगों को फ्लावर फूल पढ़ना है। ठीक है, वो सभी लोग क्या करेंगे, आज जाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, कहाँ जाएंगे बच्चे? यूट्यूब पे, ये देखो यूट्यूब पे चलिएगा, यूट्यूब पे, और यहां पर डालिएगा एग्जाम्पल। ठीक है, क्या डालिएगा भाई? तो आप कहेंगे सर ईएक्स एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफिशियल आ गया एग्जाम्पल पे, तो एग्जाम्पल पे चलेंगे। और एग्जाम्पल पे बच्चे मैंने आज की क्लास ली है। ठीक है, मैंने आज ही क्लास लिया है, तो आप लोगों को मैं बताता हूं। ठीक है, आज ही मैंने क्लास लिया है, यहां पे लाइव पे चलते हैं। तो आज जो मैंने क्लास लिया है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चे, आज जो मैंने क्लास लिया है, ये तो अभी अभी लिया मैंने। ठीक है, अरे भाई कहां चले गए, प्लेलिस्ट पे नहीं जाना है। यहाँ देखिएगा बच्चे, अरे एक मिनट बच्चे दिखाता हूँ, एक मिनट दिखाता हूँ कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। रुक जाना यार, दिखा रहा हूं, मिल ना रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। ये देखो, ये वाली क्लास ऐसे ओपन करिएगा, ये वाली क्लास ऐसे ओपन करिएगा बच्चे। तो आप कहेंगे सर इस वाले क्लास में आप लोगों के लिए क्या है, आप कहेंगे सर इस वाले क्लास में आप लोगों के लिए जो है, मैंने पढ़ाया है पूरा का पूरा प्लांट किंगडम। ठीक है, क्या करा है? पूरा का पूरा प्लांट किंगडम पढ़ाया है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, देखो बच्चे, ये देखो जबरदस्त वाला, यहां पर देखो
ये मैंने आपको पढ़ाया है क्या? आप कहेंगे सर पूरा फूल वगैरह एकदम बढ़िया से बनाकर जबरदस्त तरीके से आपको दिखाया है, ठीक है, जबरदस्त तरीके से आपको बढ़िया से एकदम बनाकर दिखाया, एक एक चीज पढ़ाया है, जाकर बनाइएगा, जाकर बनाइएगा यहां पर, और फिर इसके बाद देखिएगा बच्चे पूरा का पूरा फूल आपको सामने यहां पर मैंने बनाया है, ठीक है, यहां पर पूरा का पूरा फूल बनाया है, लिखा है, देख लो, देख लो बच्चे, ये देख लो इतना जबरदस्त वाला आपके सामने है, क्लियर है। तो आप जाइएगा बच्चे और क्या करिएगा, आप कहेंगे सर जाइएगा और जाकर इसको पढ़िएगा बच्चे, क्लियर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाके पढ़िएगा बच्चे, लाइव हो चुका है, लाइव नहीं करना है इसमें, आप कहेंगे सर ये क्या करना है, आप कहेंगे सर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करना है, और बच्चे इसी रूप में मैं आप लोगों को मिलूंगा परिवर्तन बैच के अंदर, ठीक है, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया डायग्राम बनाकर परिवर्तन बैच के अंदर जाकर मैं मिलूंगा आप लोगों को। इसके लिए बच्चे आज वो लास्ट दिन है जिसमें आप परिवर्तन खरीद सकते हैं, ठीक है, परिवर्तन खरीद सकते हैं, और बच्चे आज नहीं मतलब कल लास्ट डेट है, तो आज सोच विचार कर आप परिवर्तन को ले लीजिए, ठीक है, परिवर्तन को ले लीजिए। तो ऐसे ही डायग्राम के द्वारा आप जानते हो पूरी की पूरी बायोलॉजी आपकी खत्म करूंगा, ये बात याद रखना। तो ये परिवर्तन के लिए देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर चल जा भाई, देखो कह रहा है एक सामान्य श्वसन क्रिया, एक सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान निःश्वसन व उच्च श्वसन, निःश्वसन और उच्च श्वसन के समय वायु के आयतन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, वायु के आयतन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, बोलो बच्चे अभी तो, ठीक है, अभी तो बताओ, अभी तो बताओ जितेंद्र, अभी तो मैंने इसके बारे में आंसर बताया था, इसके बारे में बताया था, ठीक है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं कितना होता है, आप कहेंगे दो, इसमें ऐसे करेंगे 250 ml, ठीक है, क्या करेंगे इधर से 250 ml और इधर से क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इधर से भी 250 ml, 250 ml 250 ml मिलाकर कितना हो जाएगा, 500 ml हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 500 ml हो जाएगा, याद रखना 500 ml, और इसी को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे सर इसी को ज्वारीय आयतन कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है भाई, आप कहेंगे सर ज्वारीय आयतन कहा जाता है। क्या हो गया बच्चे, किसको कांग्रेचुलेशन दिया जा रहा है, हाय सर हाउ आर यू, फाइन बच्चे लुसिफर मेरे भाई, फाइन मैं बढ़िया हूं बच्चे, एक बार वीडियो को और शेयर कर देंगे ताकि 150+ हो जाएंगे, ठीक है, यहां पर तो बच्चे क्या हो जाएगा, इसी को कहते हैं ज्वारीय आयतन, कहते हैं ज्वारीय आयतन, ठीक है। पसीना, बच्चे पसीना कितने लोगों को नहीं आता है, जल्दी बताएंगे कितने लोगों को पसीना नहीं आता है, वो जल्दी से यहां पर कमेंट करके बताएंगे पसीना कितने लोगों को नहीं आता है, ठीक है, देखेंगे बच्चे। त्वचा को साफ करता है, 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 शरीर के तापक्रम को कम करता है, बिल्कुल सही है, उत्सर्जक निकालता है, बिल्कुल सही है, अधिक पानी की मात्रा को निकालता है, अधिक पानी की मात्रा को निकालता है, बच्चे कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बच्चे, इसमें से कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे बच्चे, जल्दी से बताएंगे, ठीक है, आप कहेंगे जल्दी से बताएंगे बच्चा यहां पर क्या हो जाएगा, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है बच्चे, लो दिख रहा है, अब लो दिख रहा है ना, लो दिख रहा है, बताएंगे बच्चे यहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चे, लुसी बच्चे, लुसिफर बच्चे, आप कहेंगे आप हमारे इंस्टाग्राम पर जीएस भाई रजदीश सर इंस्टाग्राम पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, फिर मैं आपको वहां पे दे दूंगा संपर्क सूत्र, जिससे आप मुझसे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिकली मैं नहीं दूंगा अपना नंबर, क्योंकि आप लोग मुझे सोने भी ना दोगे, जीने भी ना दोगे, सोने की बात ही छोड़ दो, सोने की बात छोड़ दो, जीने भी ना दोगे। देखो क्या करता है, अधिक मात्रा में पानी निकाल देता है, आप कहेंगे सर अधिक मात्रा में तो पानी निकालता नहीं, ठीक है, अधिक मात्रा में पानी निकाल देता है, साफ करता है, त्वचा को नहीं साफ करता है बच्चे, त्वचा को पसीना कैसे साफ करेगा, त्वचा को पसीना साफ करेगा, आप कहेंगे नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, त्वचा को साफ नहीं करता है बच्चे, त्वचा को साफ नहीं करता, जिनको पसीना नहीं निकलता है उनके त्वचा में मैल होता है बच्चे, मैल होता है, तो जल्दी से बढ़िया से नहाया करो, जल्दी से बढ़िया से नहाया करो तो हो जाएगा, हाँ बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, इसीलिए मैं नहीं दूंगा, वरना पता लगा कि सो रहे हैं तबो भी फोन बज रहा है, खाना बना रहे हैं तो भी कुछ बन रहा है, और बच्चे क्या कहते हैं वॉशरूम वॉशरूम गए तबो भी फोन बज रहा है, मैं मर भर जाऊंगा ऐसे फोन कर करके आप लोग, ठीक है, किसके श्रावण में, किसके श्रावण में एंजाइम होते हैं, किसके श्रावण में एंजाइम होते हैं बच्चे, एंजाइम कहां पर होता है, तो यहां पर ध्यान से देखना बच्चे, सभी लोग बताएंगे एंजाइम क्या होता है, यहां पर देखते हुए सभी लोग आंसर करेंगे।
सभी लोग आंसर करेंगे बच्चे क्या होता है यहां पर, बहुत बढ़िया से देखना, ठीक है, बहुत बढ़िया से देखना। लार ग्रंथि की बात करें, लार ग्रंथि, तो बच्चे लार ग्रंथि से क्या निकलता है, एंजाइम। कौन सा एंजाइम निकलता है, तो आप कहेंगे सर टाइलिन। कौन सा एंजाइम निकलता है भाई, तो आप कहेंगे सर टाइलिन एंजाइम निकलता है। और बच्चे टाइलिन एंजाइम क्या करता है, आप कहेंगे सर स्टार्च को। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को किसमें बदल देता है, आप कहेंगे सर माल्टोज के अंदर। किसके अंदर, आप कहेंगे सर माल्टोज के अंदर बदल देता है स्टार्च को, ठीक है। और कैसा है बच्चे यहाँ पे, कैसा पाचन हुआ है, तो आप कहेंगे सर आंशिक, ठीक है। यहाँ पर कैसा पाचन होता है, तो आप कहेंगे सर आंशिक पाचन होता है। यहाँ पर कैसा पाचन हो जाता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंशिक पाचन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बच्चे, तुम लोग कह रहे हो कि सर तुम्हारी क्या कहते हैं, तुम्हारी किस्मत खराब है, हैं? अब मैं बताता हूं, किस्मत खराब नहीं होती है बच्चे, मेहनत खराब होती है। किस्मत तो बच्चे उसकी खराब होती है। मुझे देखो बच्चे, मैं तो कभी ना हारा, जिंदगी में आगे ही चलता रहा। देखो 2017 की अगर बात करूं, 2017 की बात करूं, ये सीजीएल का पेपर था, ठीक है। किसका, सीजीएल का पेपर था बच्चे। मेरा पूरा सिलेक्शन हो जाता है, हर कुछ हो जाता है, लेकिन बच्चे मेरे डॉक्यूमेंट में क्या आ जाता है, गड़बड़ी आ जाती है, मतलब हाथ में जॉब आते हुए भी चली जाती है, ये हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यूपी का रहने वाला हूं, तो यूपी में मैंने वीडियो एग्जाम दिया, ठीक है। कौन सा एग्जाम, वीडियो एग्जाम दिया बच्चे। इसमें पूरी तरीके से सिलेक्शन हो गया, हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद भी, ज्वाइनिंग लेटर आने के भी बाद भी क्या हो गया, वीडियो का पेपर निरस्त हो गया, वीडियो का पेपर क्या हो गया, निरस्त हो गया। फिर बच्चे मैंने आरओ आरओ का पेपर दिया, मैंने मेंस तक गया, मेंस तक गए के बाद फिर बच्चे, फिर उसके आगे मैं नहीं बढ़ पाया। ये होती है किस्मत की कहानी। पीसीएस मैंने दिया, पीसीएस मेंस की मैंने कहानी लिखी, ठीक है। ज्योग्राफी से मैंने पीसीएस मेंस की कहानी लिखी, फिर भी मैं आगे ना गया। ये क्या होती है, आप कहेंगे ये होती है क्या कहते हैं, किस्मत की कहानी। ये होती है किस्मत की कहानी। यहाँ पे ऐसे नहीं थोड़ी रख रहा हूं कि ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ बच्चे। एक्सपीरियंस लिया है, तजुर्बा लिया है जिंदगी में बहुत सारे, ठीक है। अब कुछ ना होता, ठीक है, फिर भी अब हमको एक टीचर बनना है, इसके अलावा कुछ नहीं बनना है, ठीक है। मैं बनूंगा ओनली टीचर, और मैं बन चुका हूं टीचर, और आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और आप जैसे बच्चों को सिलेक्शन दिलाऊंगा, और सिलेक्शन दिलाकर बच्चे अपने पास में, आप कहेंगे अपने पास में हजारों एसडीएम और डीएम रखूंगा, ठीक है। एक ही है बच्चे, वही है जीएस बाय रजनीश, जीएस बाय रजनीश, ठीक है। याद रखना, क्या कहते हैं, सूखा, सूखा बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में, बच्चे में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस। देखो यहां पर ऑस्टियोपोरोसिस लिखा गया है, लेकिन एक्चुअल में ये सही चीज नहीं दिया गया है, ठीक है, ये सही चीज नहीं दिया गया है। विटामिन डी की कमी से हो जाएगा, ये तो सही है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होना चाहिए था, ऑस्टियोमलेशिया होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ऑस्टियोमलेशिया होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बच्चे, आप सभी लोग मेरे हजारों, मेरे इस जेब में भी, इस जेब में भी, इस जेब में भी, यहाँ पीछे वाले जेब में भी, हर जगह पर एक एसडीएम बैठा होगा। मैं जब भी फोन करूंगा, हाँ भाई साहब एसडीएम साहब, वह तुरंत बस ये वाली बात होनी चाहिए, ये फीलिंग आनी चाहिए बेहतरीन तरीके से, और पक्का है कि आपको बनाऊंगा एसडीएम, ठीक है, पक्का है। तो यहां पर देखना बच्चे, क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस वैसे जो होता है, अगर सही भाषा में कहा जाए, तो आप कहेंगे सर हार्मोन्स, ठीक है, किसके, आप कहेंगे सर हार्मोन्स की गड़बड़ी में, हार्मोन्स की कमी से आता है। ज्यादातर तो ये किसमें होता है, आप कहेंगे ज्यादातर तो ये महिलाओं में होता है, ठीक है, किसमें होता है, आप कहेंगे सर महिलाओं में होता है, लेकिन बच्चे ये वृद्धों में भी देखा गया। ये किसमें देखा गया है, आप कहेंगे वृद्धों में। होम साइंस का टीजीटी का पेपर था, उसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, तो अब ध्यान से देखना सर, ठीक है। बिल्कुल बच्चे, यहां पर देखेंगे, बहुत अच्छी बात। अब देखेंगे क्या होता है, जो इनमें महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसे आप लोग मासिक धर्म के नाम से जानते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बच्चे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, अनियमितता आ जाती है। क्या आ जाती है, अनियमितता आ जाती है, इररेगुलरिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, इररेगुलरिटी आ जाती है, तो उस समय बच्चे क्या होता है, इनकी हड्डियां, इनकी जो हड्डियां होती है, ठीक है, क्या होती है बच्चे, हड्डियां, हड्डियां जो होती हैं, वो क्या होता है, आप कहेंगे इसमें छेद हो जाते हैं, इसमें छेद हो जाते हैं, हड्डियों में क्या हो जाता है, आप कहेंगे छेद हो जाते हैं, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। पोरस, पोरस का मतलब क्या होता है, छिद्र, ठीक है, पोरस का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर छिद्र होता है, ये बात याद रखना, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। जैसे बच्चे ये हाथ है, ऐसे करके इसमें किसी ऐसे लकड़ी वकड़ी में लड़ गया, हाथ टूट जाता है, लिया क्या हो जाती है, आप कहेंगे इसमें हड्डियां क्या हो जाती है, भंगुर हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चे, आप कहेंगे सर भंगुर हो जाती है, बात याद रख लेना। वृद्ध और महिलाओं में होने वाली ये बीमारी, वृद्ध और महिलाओं में होने वाली ये बीमारी है, यहां पर ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए।
ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए यहां पर, ये बात बिल्कुल सही, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बच्चे वही परिवर्तन आप लोगों के लिए परिवर्तन लाएगा आपके जिंदगी में, आप जुड़ेंगे मेरे साथ, आप जुड़ेंगे मेरे साथ क्या करने के लिए, एसडीएम बनने के लिए बच्चे। और अगर इतना एक्सपीरियंस लेकर आपको एसडीएम बनाने के लिए आया हूं तो आप जुड़िए हमसे, और जुड़कर एक बार फिर बच्चे, जुड़कर एक बार भी अपने जिंदगी का सपना साकार करने के लिए हमारे साथ आइए बच्चे, आगे बढ़िए हमारे साथ, आगे बढ़िए। यहां पर क्या करेंगे आप कहेंगे, सर यहां पर ईपी ओल्ड डालेंगे और यहां पर ईपी न्यू डालेंगे, और बच्चे आपके एक कैटेगरी का, जैसे आप बिहार का लेना चाहते हो तो बच्चे बिहार का यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें बच्चे यहां पर, अगर आप पूरा का पूरा एप्लीकेशन अपने नाम करना चाहते हो, पूरा का पूरा एप्लीकेशन अपने नाम करना चाहते हो, तो नए बच्चे हो तो ईपी न्यू करो और ओल्ड बच्चे हो तो ईपी ओल्ड करो। बच्चे मैं मिलूंगा आपसे, आपको आपको क्या करूंगा, गाइड करूंगा साइंस के लिए, और बच्चे आपकी साइंस हो जाएगी बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे। बच्चे ये बात याद कर लेना, ये बच्चे याद कर लेना, क्लियर है, ठीक है। मैं स्किप करूंगा तो मैं ही स्किप हो जाऊंगा, याद रखना संजीव बच्चे, जूली याद रखना। देखेंगे बच्चे, शरीर में प्रोटीन, शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग बच्चे दो होते हैं, क्या होते हैं आप कहेंगे, दो होते हैं, एक क्वासियोरकर होता है। शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, आप कहेंगे दो होते हैं, एक क्वासियोरकर होता है और एक कौन सा होता है, मेरेस्मस। क्या होता है बच्चे, मेरेस्मस। क्या होता है बच्चे, मेरेस्मस होता है, क्या होता है, मेरेस्मस। देखिए क्वासियोरकर किसमें होता है, आप कहेंगे सर ये क्या है, आप कहेंगे क्वासियोरकर की अगर बात करें तो क्वासियोरकर क्या है बच्चे, आप कहेंगे सर जो क्वासियोरकर है, जो क्वासियोरकर है बच्चे इसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये वयस्कों में होता है। किसमें होता है बच्चा, वयस्कों में होता है, और मेरेस्मस जो होता है ये बच्चों में होता है। मेरेस्मस किसमें होता है भाई, आप कहेंगे सर बच्चों में होता है, ये बात याद रख लेना। और बच्चे जुड़िए जरूर हमसे, ठीक है, जुड़िए जरूर हमसे साइंस पढ़ने के लिए। एक बार मुझ पर विश्वास कर देखिए, तकदीर बदल जाएगी, ठीक है, एक बार मुझ पर विश्वास करके देखिए, तकदीर बदल जाएगी, याद रखना, क्लियर है। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे डी ऑप्शन। अब देखो रिकेट्स किसके द्वारा होता है, आप कहेंगे सर विटामिन डी, किसके द्वारा बच्चे, विटामिन डी। रतौंधी किसके कारण होता है, आप कहेंगे सर विटामिन ए। और स्कर्वी किसके कारण होता है, तो आप कहेंगे सर विटामिन सी के कारण। अच्छा बच्चे लगे हाथ इनके नाम ही जान लेते हैं, सर विटामिन ए को, विटामिन डी को क्या कहते हैं, एग्रोकैल्सी, ठीक है, क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर एग्रोकैल्सीफेरॉल, ठीक है, क्या कहा जाता है, एग्रोकैल्सीफेरॉल कहा जाता है, एग्रोकैल्सीफेरॉल। विटामिन ए बच्चे, विटामिन ए इसे क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर इसे कहते हैं रेटिनॉल, इसे क्या कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन सी, विटामिन सी को क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर स्कॉर्विक, ठीक है, क्या कहा जाता है, स्कॉर्विक अम्ल कहा जाता है, स्कॉर्विक अम्ल कहा जाता है, क्या कहते हैं भाई, स्कॉर्विक अम्ल कहते हैं, बात याद रख लेना, ये बात याद रख लेना यहां पर, ये बात याद रख लेना, ठीक है। देखेंगे भाई यहां पर आपके सामने है एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। देखेंगे बच्चे भोजन में निम्नलिखित में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, भोजन में निम्नलिखित में से किसकी कमी से कौन सा होता है रतौंधी रोग होता है, एग्रोकैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, स्कर्वी, विटामिन सी। बिल्कुल बच्चे दीपशिका, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। माला, हिना, एमडी फरकान बच्चे, आलम, क्या नाम है आपका, आलम, अलू, अर्जुन, नवीन, अंकज, ठीक है, जो भी जितने बच्चे, जूली, समीर, वसा, नितिन, ऋतुराज, सब लोग बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। और अगर बच्चे आपके शरीर में वसा ज्यादा हो गया तो दो चीजें हो जाएंगी, एक आपको आ जाएगा मोटापा, और एक आपको क्या, आपके शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, किसकी मात्रा, आप कहेंगे सर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, किसकी मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, ये बात याद रख लेना बच्चे, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। मोटापा बच्चे जब किसी को चर्बी चढ़ जाती है ना, तो चर्बी चढ़ जाती है, इसी को मोटापा कहते हैं। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी कोई कह दे, क्या कहते हैं, मुझसे आकर, मैं किसी से जाकर कह दूं, सर जी आपको चर्बी बहुत चढ़ गई है, तुमको, अरे हमको पटक पटक के मारेगा। लेकिन वो मैं ऐसा बताऊं कि सर क्या कहते हैं, मोटापा की शिकार हो रहे हैं आपको, आपको थोड़ा थोड़ा चर्बी चढ़ रही है, तो बच्चे वो मेरे को कहेंगे, अच्छा सर साइंस की भाषा में बता दी, दोनों में अंतर है, ठीक है, आप कहेंगे सर दोनों में अंतर आ गया, सर देखो कह रहे मेरे मोटापा आ गया, ठीक है, बिल्कुल बच्चे।
ओके बच्चे सस्तरी, देखो बच्चे एक दिन हम लोग थोड़ा सस्ते में पढ़ेंगे और एक दिन हम लोग किस में पढ़ेंगे, आप कहेंगे एक दिन हम लोग थोड़ा सस्ते में पढ़ेंगे और एक दिन हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर, आप कहेंगे थोड़ा महंगे में पढ़ेंगे, यानी कि थोड़ा टफ वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि हमारे दोनों लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट रहे। सर मैं अब मोटी हूं, यार नितिन कुमार तुम्हारा नाम लड़के जैसा है और तुम बोल रहे हो कि मैं मोटी हूं। सर सर बुक साइंस का रिकमेंडेड कर दीजिए प्लीज, मेरे से कोर्स ले लो, मेरा मुझे पढ़ लो बच्चे 400 रुपए में, 700 रुपए में अगर आप मुझे पढ़ लेते हो तो साइंस की कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बच्चे, साइंस की कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक खुली किताब हूं, बस आप मुझे पढ़ना चाहो, बस आप अगर मुझे पढ़ लोगे तो आपको किसी भी प्रकार की साइंस की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, यहां तक बच्चे आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इतनी चीजें मैं आपको बता दूंगा। और बच्चे जो क्या कहते हैं आर्यभट्ट बैच में मुझसे बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि हाँ मैं बहुत अच्छे से उन लोगों को पढ़ा रहा हूं। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा आयन आयन का सबसे अच्छा प्रचुर मात्रा में स्रोत है, तो बच्चे क्या है, आप कहेंगे हरी सब्जियां। हरी सब्जियां क्या होती हैं, आप कहेंगे सर आयरन मिलता है, हरी सब्जियां में क्या होता है आयरन मिलता है, यहां पर ये बातों की बात करते हैं, ठीक है ये बात करते हैं, ठीक है ये बात याद करते हैं, तो बात क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर हरी सब्जियां, हरी सब्जियां हो जाएगा, ये चीज याद रख, हरी सब्जियां रख लेना याद, यहां पर ये बात हो जाएगा बिल्कुल बच्चे, हरी सब्जियों में। अच्छा हरी सब्जियों में भी अच्छे अगर आपको दे दिया जाए, तीन चीज दे दिया जाए, एक दे दिया जाए बथुआ, एक क्या दे दिया जाए बथुआ दे दिया जाए, बथुआ, बथुआ की आप लोगों ने सब्जी या दाल खाई होगी, ठीक है बथुआ दे दिया जाए, एक क्या दे दिया जाए, आप कहेंगे सर एक मर्शा दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए मर्शा दे दिया जाए, एक चौराई दे दिया जाए, चौराई दे दिया जाए, चौराई, और एक क्या दे दिया जाए बच्चे, आप कहेंगे सर पालक दे दिया जाए, पालक। आप बताओ बच्चे इन तीनों में से, इन तीनों में से ए बी सी डी, इन तीनों में से सबसे अधिक मात्रा में किसमें लौह तत्व पाया जाता है, मतलब इन तीनों में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, आप कहेंगे सर आयरन पाया जाता है, इनमें किसमें सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है जल्दी से बताएंगे, बथुआ में ज्यादा पाया जाएगा बिल्कुल बच्चे, जितने लोगों का आंसर बथुआ आ रहा है ना, बथुआ में क्या होगा, आप कहेंगे सर बथुआ में ज्यादा पाया जाता है, वो हमारे बच्चे बहुत बढ़िया है, शेर है एकदम बहुत बढ़िया वाले शेर हैं बच्चे, वो याद रख लेंगे वो बहुत अच्छे, बथुआ में सबसे अधिक होगा, और बथुआ नहीं होता तो मरसा या चौराई लगाते, बथुआ नहीं होता तो क्या लगाते हैं बच्चे, आप कहेंगे सर मरसा या चौराई लगाते, लेकिन बथुआ लिखा गया है तो आप कहेंगे सर मरसा या चौराई नहीं लगाएंगे, ठीक है नेक्स्ट है बच्चे, और बच्चे मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं मेरे 3 बजे वाली क्लास में जरूर मिलिए, 3 बजे वाली क्लास में, 3 बजे ठीक है 3 बजे वाली क्लास में मेन यूट्यूब चैनल पर मिलिए, इसमें मैं आपको ईवीएस करा रहा हूँ, ईवीएस करा रहा हूँ, इसमें मैं आप लोगों को ईवीएस के साथ साथ बच्चे क्या करा रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो चली रही, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चली रही, और इसके साथ साथ बच्चे इसमें आपको कंप्यूटर भी करा रहा हूँ, ठीक है क्या करा रहा हूँ कंप्यूटर भी, इतने क्वेश्चन उसमें करा रहा हूँ, तो बच्चे अब 3 बजे वाली क्लास में आप जरूर जुड़िएगा क्योंकि मैं उसमें इतनी चीजें करा रहा हूँ, और ये बात याद रखेंगे, बथुआ तो मेरे खेत में खूब होता है, आप बच्चे खाया करो, आपके अंदर खून की कमी आने नहीं होगी ठीक है, विटामिन सहायता नहीं करता है ठीक है, ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में, उपापचय में आवोजक के रूप में, रोगों से रक्षा के लिए पाचन क्रिया में उपयुक्त में से कोई नहीं विटामिन सहायता नहीं करता है, विटामिन बच्चे पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता बिल्कुल बच्चे, क्या हो जाएगा आप कहेंगे विटामिन पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता, साथ में है ठीक है, ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में भी सहायता नहीं करता है ठीक है, ये तो ऊतकों में एंजाइम के निर्माण की सहायता कौन करता है, आप कहेंगे सर प्रोटीन, कौन करेगा मेरे भाई, आप कहेंगे सर प्रोटीन करेगा, याद रखना बच्चे ये देखो ए नंबर, ये देखो डी नंबर, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं बच्चे, क्योंकि इसके साथ हमारा एक ऑप्शन और रहता है, और कौन सा ऑप्शन रहता है, आप कहेंगे सर एक से अधिक, कौन सा रहता है बच्चे, एक से अधिक वाला ऑप्शन भी रहता है, ये कॉन्सेप्ट भी इसका है एक से अधिक वाला, ठीक है एक से अधिक वाला कॉन्सेप्ट भी रहता है, ये बात यहां पर याद रखना ठीक है, बिल्कुल डिसेंट बच्चे, डिसेंट बहुत बढ़िया ठीक है, तो बच्चे कल आप लोग रहोगे ना ये 3 बजे वाली इस वाली क्लास में एकदम गर्दा उड़ाने के लिए, बच्चे रहोगे कि नहीं रहोगे, यस या नो जल्दी बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, और यहां पर देखेंगे बच्चा
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बच्चों के जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है, बच्चों के जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है। यस सर रहेंगे, नो देखो राहुल लाज कह रहा नहीं रहेंगे, बहुत बढ़िया बच्चे। जी सर, यस सर, हाँ सर, बीसीजी, बाय बाय गाइज, ओके बच्चे, बाय मेरे बच्चे, ठीक है, आज मैं मुझे रोजा, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। देखोगे बच्चे क्या हो जाएगा, बीसीजी कौन सा टीका दिया जाता है, बीसीजी कब दिया जाता है, आप कहेंगे सर जन्म के 24 घंटों के अंदर, जन्म के 24 घंटे के अंदर दिया जाता है, अंदर दिया जाता है, ठीक है, अंदर दिया जाता है। बीसीजी का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर बीसीजी का मतलब होता है बेसिलस, ठीक है, क्या होता है बेसिलस, बेसिलस कॉलमेट, ठीक है, क्या होता है बच्चे बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, क्या होता है आप कहेंगे सर बेसिलेट कॉलमेट ग्यूरिन होता है, ग्यूरिन होता है, ठीक है, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होता है, याद रखेंगे। और बच्चे ये दोनों क्या थे, आप कहेंगे ये दोनों वैज्ञानिक थे, ये दोनों क्या थे, आप कहेंगे सर वैज्ञानिक थे, ये दोनों क्या थे, तो आप कहेंगे ये दोनों वैज्ञानिक हुआ करते थे, ये दोनों क्या हुआ करते थे, तो मेरे भाई आप कहेंगे ये दोनों वैज्ञानिक हुआ करते थे। और बच्चे इस वैज्ञानिक की अगर हम बात करें तो बच्चे यही दोनों एबीसीजी की खोज किए। डीपीटी का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे डीपीटी का मतलब होता है डिप्थीरिया, क्या होता है डिप्थीरिया होता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया होता है, क्या होता है आप कहेंगे परट्यूटिस, क्या होता है परट्यूटिस होता है, परट्यूटिस होता है। और टी का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर टिटनेस, टी का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे टी का मतलब होता है टिटनेस होता है, टी का मतलब क्या होता है टिटनेस होता है, ये बात याद रख लेना, ठीक है, ये बात याद रख लेना बच्चे, क्या होता है टिटनेस होता है, ये बात याद रख लेना। तो ये डीपीटी का टीका किसमें दिया जाता है, डिप्थीरिया परट्यूटिस और टिटनेस तीनों के अंदर दिया जाता है, तीनों के अंदर दिया जाता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल बच्चे। यहां पर देखेंगे बच्चे काली खांसी, काली खांसी को बच्चे क्या कहा जाता है, आप कहेंगे सर काली खांसी को परट्यूटिस कहा जाता है, काली खांसी को क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर परट्यूटिस, क्या कहते हैं बच्चे परट्यूटिस कहा जाता है काली खांसी को, काली खांसी को क्या कहते हैं परट्यूटिस, जो परट्यूटिस होती है काली खांसी, काली खांसी में बच्चे हम लोग किसका टीका लगाते हैं, आप कहेंगे सर काली खांसी में हम लोग टीका लगाते हैं किसका, डीपीटी का, किसका लगाते हैं डीपीटी का टीका लगाते हैं। और बच्चे किसमें होता है, आप कहेंगे सर नवजात शिशुओं में, किसमें होता है भाई, आप कहेंगे नवजात शिशुओं में होता है। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कहेंगे डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटनेस, डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटनेस, टिटनेस बच्चे याद रखना, ठीक है, डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटनेस होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, प्रायश्रव्य ध्वनि, प्रायश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है, प्रायश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है किसके द्वारा, प्रायश्रव्य ध्वनि सुनी जाती है डिसेंट, बच्चे मैं क्लास में लाइव हूं और इस समय बज रहे हैं बच्चे, इस समय बज रहे हैं, देखो क्या बज रहे हैं, आप कहेंगे सर 5:45, 5:45 हो रहा है, ठीक है बच्चे 10 मिनट और पढ़ लो फिर 5 नाश्ता करने जाना, ठीक है। यहां पर देखेंगे बच्चे डीप, आज बिहार का क्लास है 6 बजे वाला, बिल्कुल बच्चे यहां पर देखना बच्चे, प्रायश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है बच्चे किसके द्वारा, आप कहेंगे प्रायश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है कुत्तों के द्वारा, किसके द्वारा बच्चे, कुत्तों के द्वारा सुनी जा सकती है, याद रख लेना कुत्तों द्वारा, ठीक है। आप कहेंगे सर किसका, आप कहेंगे सर कुत्तों के द्वारा प्रायश्रव्य ध्वनि सुनी जाती है। और प्रायश्रव्य ध्वनि की जो रेंज होती है बच्चे कितने के ऊपर होती है, आप कहेंगे प्रायश्रव्य ध्वनि की जो रेंज होती है ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, कितने से, आप कहेंगे सर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है प्रायश्रव्य ध्वनि की रेंज, याद रखना, ठीक है। प्रायश्रव्य ध्वनि की रेंज कितके किसके ऊपर होती है, तो आप कहेंगे सर 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती है। अब देखेंगे बच्चे अगर देखा जाए प्रायश्रव्य ध्वनि का प्रयोग बच्चे हर जगह किया जाता है, ठीक है, प्रयोग बच्चे कहाँ किया जाता है, हर जगह किया जाता है। अगर कहीं भी ऑप्शन में आए कि इसमें किसका प्रयोग, तो आप प्रायश्रव्य ध्वनि लगाना, प्रायश्रव्य ध्वनि निकालना है बच्चे, प्रायश्रव्य ध्वनि लगाना। और बच्चे अगर हम जो सुन सकते हैं वो कितना सुन सकते हैं, आप कहेंगे हम सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, ठीक है, से ऊपर होना चाहिए, से ऊपर हम कितना सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज सुन सकते हैं यहां पर, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर हम लोग बीच में सुन सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे श्रव्य कहेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, आप कहेंगे सर जिसे श्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं, श्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं, श्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहेंगे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप कहेंगे सर पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है बच्चे, ऑडियोमीटर कहते हैं। देखो मीटर होता है बच्चे, तो मीटर में हम लोग किसी चीज को मापते हैं, सुनते नहीं। तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोन क्या कहा जाता है भाई? तो आप कहेंगे सर हाइड्रोफोन कहा जाता है, ये बात याद रख लेना। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? तो आप कहेंगे सर हाइड्रोफोन के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोफोन के द्वारा। ठीक है, यहां पर देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। तो अक्रिय गैस कौन कौन सा होता है? आप कहेंगे हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो। हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो, ये बात याद रखना। हेलो, हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल सर, मैं अभी क्लास में निकल के कॉल करता हूँ। ओके, ठीक है, तो देखेंगे हे नेता और कर्मचारी क्या करो, आप कहेंगे सर जिंदा रहो, ये बात याद रख लेना। अब देखना बच्चे ये क्या है, आप कहेंगे ये सारी की सारी अक्रिय गैस, और बच्चे इनमें से हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। आप कहेंगे गाना सुने होगे ना, आवारा दिल मेरा, कौन सा गाना? आप कहेंगे सर आवारा दिल मेरा, मैं जा रही हूं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। अच्छा, इसी तुम बात करने आती तो पढ़ने आती हो, ये बताओ, तुमको गला दबा देंगे, तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी, तो एकदम से चली जाना। पढ़ लो बच्चे, एसडीएम ऐसे बनोगे, किसी की रिप्लाई की बात करते हैं। ठीक है, आवारा दिल मेरा बच्चे, हाँ वैसे ही क्या है, हाइड्रोजन क्या है? आप कहेंगे हाइड्रोजन है आवारा तत्व। क्या है बच्चे? आप कहेंगे सर आवारा तत्व। कौन सा है आवारा तत्व? किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन बच्चे, हीलियम हो गया और रेडॉन, हीलियम हो गया बच्चे, हीलियम कौन सा है? आप कहेंगे हीलियम, जो आपका हीलियम है जो बच्चे, ये आपका कहां नहीं पाया जाता है? आप कहेंगे सर हीलियम जो है ये आपका वायुमंडल में नहीं पाया जाता। कहां पर भाई? आप कहेंगे सर वायुमंडल में हीलियम नहीं पाया जाता। रेडॉन बच्चे कहां नहीं पाया जाता है? आप कहेंगे सर जो रेडॉन होता है ये भी बच्चे वायुमंडल में नहीं होता। ये बच्चे क्या होता है? आप कहेंगे सर वायुमंडल के बाहर होता है, बाहर। और बच्चे ये कहां होता है? आप कहेंगे सर ये पृथ्वी सतह के अंदर। ठीक है, कहां होता है? पृथ्वी सतह के क्या होता है? अंदर। और बच्चे अगर क्या हो गया, एकाएक से वायुमंडल में क्या हो जाए, रेडॉन की मात्रा क्या हो जाए? आप कहेंगे मात्रा बढ़ जाए, एकाएक रेडॉन की मात्रा बढ़ जाए, तो इसका मतलब क्या आ रहा है? आप कहेंगे सर भूकंप। क्या आ रहा है मेरे भाई? भूकंप आ रहा है, नोट करते हुए चलेंगे। क्या करेंगे बच्चे? भूकंप नोट करते हुए चलेंगे। यहां पर देखेंगे, क्योंकि ये कैसा होता है? आप कहेंगे क्योंकि ये भारी होता है, क्योंकि ये क्या होता है? भारी। और हीलियम क्या है? आप कहेंगे सर हल्की है। हीलियम क्या है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर हल्की है, ये चीज यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? तो आप कहेंगे N2O। कौन सी? N2O बच्चे, NO2। और क्या कहते हैं SO2? ये क्या करते हैं? आप कहेंगे सर अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। क्या करते हैं? अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन धनावेशित नहीं है बच्चे? अल्फा कण नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, हीलियम नाभिक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, धनावेशित, जिन पे धन आवेश नहीं होता है बच्चे, वो कौन सा होता है? तो आप कहेंगे जिनमें धन आवेश नहीं होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज नहीं होता है? आप कहेंगे धन चार्ज नहीं होता है। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? धन चार्ज नहीं होता। और बच्चे ये इस पर कैसा होता है? आप कहेंगे निगेटिव चार्ज होता है, बाकी सब पे धन चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चे, आप लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, ईंट पर नाचे। कौन सी कहानी? आप कहेंगे सर एक कहानी पढ़ी होगी, ईंट पर नाचे बच्चे। कौन सी कहानी? ईंट पर नाचे। तो ई का मतलब क्या है?
आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, ईंट का मतलब इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर टॉमसन, टॉमसन, टॉमसन होता है बच्चे, या इसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, या इन्हीं का कहते हैं थॉमसन, क्या कहते हैं बच्चे, थॉमसन के नाम से जानते हैं या टॉमसन के नाम से। पा का मतलब क्या है बच्चे, आप कहेंगे सर प्रोटॉन होता है, और रा का मतलब होता है रदरफोर्ड, क्या होता है भाई, आप कहेंगे सर रदरफोर्ड होता है। ना का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे ना का मतलब होता है न्यूट्रॉन, क्या होता है न्यूट्रॉन। चा का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे चैडविक, क्या होता है, आप कहेंगे सर चा का मतलब होता है चैडविक, चैडविक होता है। तो बच्चे यहां पर किसने किया, आप कहेंगे सर चैडविक ने, किसने किया बच्चे, चैडविक ने किया। बच्चे ये बचपन की कहानी आप लोग पढ़े होंगे, बचपन की कहानी है, आप लोग पढ़े होंगे बच्चे। यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समभारिक युग्म का उदाहरण है, समभारिक बच्चे कौन कौन सा होता है, समभारिक कौन कौन सा होता है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अरे बच्चे इसी तुमको ना, अभी तुमको हम बहुत पीटेंगे, मैं सबको देख रहा हूं, ठीक है। ये बच्चे आपके लिए क्या है, HW है, नोट करेंगे बच्चे, स्क्रीनशॉट लेंगे, HW लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ये भी HW है, ये भी HW है बच्चे, और कल जो बढ़िया सा कमेंट करेगा उसका कमेंट यहां पर दिखाएंगे, ठीक है। ये भी क्या है, आप कहेंगे सर ये भी HW है, बस 26 नंबर तक आपके HW है, उसके बाद हम लोग मिलेंगे बच्चे अब कल, उसके बाद हम लोग कब मिलेंगे बच्चे, कल मिलेंगे। और कल मिलने से पहले एक बार आप लोग जरूर देख लीजिए कि जो परिवर्तन की लास्ट डेट है बच्चे वो क्या है, आप कहेंगे परिवर्तन की लास्ट डेट है 31 मार्च, 31 मार्च तक बच्चे आप लोगों को ये कोर्स बड़े ही सस्ते दामों में मिल रहे हैं, ठीक है, जिसमें अगर आप पूरा का पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो लगभग 204, ठीक है, लगभग 200 प्लस कोर्स आपको लाइव और 250 प्लस, ठीक है, 250 प्लस कोर्स आपके कैसे, आप कहेंगे रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। मात्र अगर आप ओल्ड बच्चे हैं तो ईपी ओल्ड डालिएगा तो आप कहेंगे 1499 में, और बच्चे अगर कहें कि सर ईपी न्यू डालेंगे तो कितने रुपए में, 1499 रुपए, 1999 रुपए में नए बच्चों को मिल जाएगा। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए और ये चीज आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, याद कर लीजिए बच्चे, ये चीज अच्छे से याद कर लीजिए और जुड़िएगा हमसे। और हमारी पीडीएफ को पाने के लिए, हमारी पीडीएफ को पाने के लिए बच्चे क्या करिएगा, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा, सपनों की दुनिया में जाइएगा और बच्चे यहाँ पर YT प्लेलिस्ट पर पहुंचते हैं। कहां पर, आप कहेंगे सर YT प्लेलिस्ट पर पहुंचते हैं, और YT प्लेलिस्ट पर पहुंचते ही बच्चे वहां से आपको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी, हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। और आज के लिए बच्चे इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, तभी लोग सब लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है, कल से क्वेश्चन भी अच्छा दिखेगा और मजा भी आएगा पढ़ने में, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल मेरे भाई।